नमस्कार, द नगरी न्यूज के खास प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं प्रियंका। हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को नरक चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन मृत्यु के देवता यमराज की पूजा करने का विधान है। नरक चतुर्दशी को रूप चौदस, छोटी दिवाली, नरक निवारण चतुर्दशी और काली चौदस जैसे नामों से भी जाना जाता है। रूप चौदस दोपहर 1:57 से आरंभ हो रही है और अगले दिन 12 नवंबर 2023 को दोपहर 2:44 पर समाप्त होगी। नरक चतुर्दशी के दिन अभ्यंग स्नान का विशेष महत्व होता है। इस दिन कृष्ण भगवान की पूजा करने से सौंदर्य की प्राप्ति होती है। सूर्योदय के पहले शरीर पर उपटन लगाया जाता है और स्नान किया जाता है। माना जाता है कि ऐसा करने से व्यक्ति हर बीमारी से दूर रहता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नामक राक्षस का वध किया था और करीब 16,000 सुकन्याओं को मुक्त कराया था और उन्हें सम्मान भी दिया था। इसी के उपलक्ष्य में इस दिन दीप जलाए जाते हैं। इसमें एक और पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान राम अपने 14 साल का वनवास समाप्त करके अयोध्या वापस लौटे थे, जिसकी खुशी में अयोध्या वासियों ने घर के बाहर घी के दिए जलाए थे। जब दिवाली इतने करीब हो तो ऐसे में इस त्योहार के बारे में सब कुछ जानना जरूरी हो जाता है। तो आइए अब आपको बताते हैं क्यों छोटी दिवाली पर आटे के दिए जलाए जाते हैं। छोटी दिवाली के दिन आटे का दिया जलाना बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन यमदेव की पूजा का विधान है। ऐसी मान्यता है कि अगर यमदेव के लिए आटे का दिया जलाया जाए तो इससे नरक की मुक्ति मिलती है। साथ ही यम देवता की नजर कभी भी हमारे परिवार पर नहीं पड़ती। ऐसे में हर किसी को ये दिया अपने घर में अवश्य जलाना चाहिए। इस दिए को जलाने के बाद घर के कोने कोने में घुमाया जाता है। इसके बाद इसे दक्षिण दिशा में रखा जाता है, क्योंकि ये दिशा यम देव की मानी जाती है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।